अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और शहर शहर जाकर अपनी नई पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते प्रवीण तोगड़िया आज यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने समर्थकों से 21 अक्टूबर को अयोध्या कूच करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राम मंदिर का वादा तोड़ा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार अंधकार में है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में मोदी सरकार नहीं बल्कि हिंदुओं की सरकार बनेगी। तीन तलाक पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वादा तो राम मंदिर बनाने का किया था, लेकिन मंदिर का वादा तोड़कर तीन तलाक का कानून बना दिया। बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर प्रवीण तोगड़िया भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता दिखता हूं क्या? होगा। और अब की बार हिंदुओं की सरकार, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होगी। तो मोदी जी कहे कोर्ट नहीं संसद, और राम मंदिर की बात आती है तब कहते हैं संसद नहीं कोर्ट। रामराज को स्पष्ट किया है, सस्ती शिक्षा सस्ता पेट्रोल, युवाओं को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान। और कर्ज मुक्त किसान में मैंने स्पष्ट किया, सीटों की गिनती से खर्च गिनकर 1.5 गुना समर्थन मूल्य, तो धान का 2200 से 2500 रुपया मिलेगा। इसी प्रमाण में जो आज मिल रहा है उनसे 40% ज़्यादा मिलेगा। गत वर्ष 100 में से 8 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला था, सभी 100% किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए।